आजादी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में कभी प्रेमिका, कभी भाभी तो कभी माँ का किरदार निभाया, जिनके जन्म के कुछ देर पहले ही भारत में आज़ादी की घोषणा हुई थी और जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार हीरो के साथ काम किया। जिनकी जिंदगी फिल्मी पर्दे पर तो काफ़ी हसीन रही, लेकिन निजी जिंदगी उतनी ही शांत रही, जो आज भी अपने करण अर्जुन को याद करती हैं। जी हाँ, अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राखी गुलजार की। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राखी गुलजार का जन्म भारत की आज़ादी की घोषणा की कुछ देर बाद 15 अगस्त 1947 को एक बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल के राणाघाट में हुआ। इनका पूरा नाम राखी मजुमदार है। बांग्लादेश में इनके पिताजी का जूतों का व्यापार था, जो आज़ादी के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में शुरू किया। राखी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राणाघाट के गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की थी। इनके एक बड़े भाई शिवरंजन मजुमदार भी हैं, जो बंगाली फिल्मों में निर्माता हैं। 1963 में फिल्म निर्देशक अजय विश्वास, जो पहले एक जाने माने पत्रकार थे, उनसे इनका विवाह हुआ, लेकिन शादी के 2 साल बाद 1965 में इनका तलाक हो गया। फिर इन्होंने 1967 में अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म वधूवरण से की। फिल्म वधूवरण में राखी की अदाकारी से पहली बार में ही सुनील दत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा में मुख्य किरदार के लिए उन्हें ऑफर कर दिया। राखी ने ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन फिल्म में देरी होने के कारण राखी ने फिल्म जीवन मृत्यु को साइन कर लिया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उनके अपोजिट धर्मेंद्र थे। यह फिल्म राखी की पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी, जिसको राजश्री प्रोडक्शन हाउस की ओर से तैयार किया गया था, जिसका गाना झिलमिल सितारों का आंगन होगा आज भी चर्चित है। 1971 में फिल्म शर्मिली में राखी ने डबल रोल की भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने शशि कपूर और धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया। इसी साल उन्होंने फिल्म लाल पत्थर और पारस में भी मुख्य भूमिका निभाई। यह तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। इसी के साथ राखी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में शामिल हो गईं। 1970 से 1974 तक बॉलीवुड में आशा पारिक के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। यह जलवा 1975 से 1982 तक रहा। उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रवीण बॉबी और रीना रॉय को उन्होंने टक्कर दी। राखी बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं में शुमार हो गईं। उन्होंने शशि कपूर के साथ 10 फिल्मों में काम किया, जैसे शर्मिली, जानवर और इंसान, कभी कभी, बसेरा, पिघलता आसमान, बंधन कच्चे धागों का, जमीन आसमान, दूसरा आदमी आदि शामिल हैं। राखी ने बॉलीवुड सुपरस्टार देवानंद के साथ भी काम किया। फिल्म हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला और लूटमार में राजेश खन्ना के साथ भी आंचल में अभिनय किया, लेकिन इनकी जोड़ी को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ खूब पसंद किया गया। इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 11 फिल्में की, जिसमें कभी कभी, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर आदि शामिल हैं। फिल्म लावारिस और शक्ति में तो इन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। 90 के दशक में इन्होंने विधवा माँ का किरदार निभाया। रामलखन, सोगंध, खलनायक, अनाड़ी, बाजीगर, करण अर्जुन और सोल्जर जैसी फिल्में शामिल हैं। जहाँ इनका फिल्मी करियर जितना हिट रहा, वहीं इनकी निजी जिंदगी फ्लॉप रही। 15 मई 1973 को मशहूर गीतकार गुलजार से इनका विवाह हुआ। उनसे उन्हें एक बेटी मेघना गुलजार हुई, लेकिन गुलजार राखी कुछ समय बाद अलग हो गए। अलग होने की वजह थी राखी की जिद। गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी विवाह के बाद फिल्मों में काम करें, लेकिन राखी बिना बताए फिल्म कभी कभी में काम करने लगी। गुलजार ने उन्हें मना किया और इस बात से नाराज होकर राखी ने गुलजार का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस समय उनकी बेटी मेघना महज 1 वर्ष की थी। हालांकि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक नहीं लिया, लेकिन अलग जरूर रहते हैं। मेघना इस समय अपने पिता गुलजार के साथ रहती हैं। मेघना इन दिनों बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म निर्देशकों में गिनी जाती हैं। राखी ने अपने फिल्मी करियर में 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया।
राखी ने अंतिम फिल्म 2003 में शुभ मुहूर्त की। राखी को फिल्मों में बेहतरीन योगदान देने की वजह से 2003 में पद्मश्री, 3 बार फिल्मफेयर तथा 2 बार राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज वह मुंबई से 50 किलोमीटर दूर पनवेल के किसी फार्म हाउस में हर चमक दमक से दूर रहती हैं। कम बोलती हैं, कम दिखती हैं, अपनी दुनिया में ही खोई रहती हैं। आज अगर आप उन्हें देखें तो पहली नज़र में पहचान नहीं पाएंगे। इन्हें बस ऐसा एक साथी नहीं मिला जो उनके लिए कह सके, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, ओ साथी रे।